हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग ना कल जो पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका फार्मूला जो वगैरह देखे थे, तो आज हमारा जो मेन एम है उसके किसी प्रॉब्लम को कैसे अपने लोग ना सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने को कुछ प्रॉब्लम्स को बना रहे हैं जो खास करके कंपटीशन में आए हुए हैं। तो आइए इसको अपने लोग समझते हैं कि अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो इसमें हम लोग ना क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को अपने लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम अपने लोग ना रख रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम, तो ए बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री विद द होरिजेंटल है ना। तो होरिजेंटल से क्या हो रहा है, अपने को 30 डिग्री ले रहा है। फाइंड द रेंज ना, तो अपने को यहाँ पर रेंज को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को अपने को टेकल करने के पहले आपको एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो यदि आप ना डायग्राम यदि इस टाइप के प्रॉब्लम को बना ले रहे हो तो बहुत आराम से यहाँ पर ये कर सकते हो। तो ये हम लोग ना यहाँ से इसका ना ये सबसे पहले इसके डायग्राम को अपने यहाँ से बनाते हैं ऐसा। तो ये बॉल है थ्रोन विद द वेलोसिटी, तो अपने एक बॉल को यहाँ से अपने लोग को फेंक रहे हैं। ये वेलोसिटी दिया हुआ है वी बराबर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी से हम लोग क्या किए, थ्रो किए, विथ एंगल कितना है 30 डिग्री है ना अपने को विद द होरिजेंटल से। तो होरिजेंटल से क्या 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द रेंज ना, तो ये जब भी अपने लोग थ्रो करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज इक्वल टू व्हाट क्या फाइंड करना है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, बॉल क्या 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग फेंक रहे हैं, विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 30 डिग्री। तो क्या फाइंड द रेंज ना, तो हमारे को रेंज कितना होगा इसको आपको निकालना है। तो आइए हम लोग ना इसका क्या दो कंपोनेंट कर जाता है, इसमें दो कंपोनेंट अपने रख लेंगे। तो ये क्या था, वी कॉस क्या हुआ 30 डिग्री, ये बन जाएगा, और ये जो बन जाएगा ये क्या होगा वी साइन, और आपका क्या होगा 30 डिग्री, दो हो गया। तो दो कंपोनेंट हो गया, तो वी कॉस 30 और ये हो गया साइन 30। तो ये जो हो जाता है जो हम लोग कल देखे थे, तो ये एक्स कंपोनेंट क्या कांस्टेंट होता है, तो रेंज बराबर आर बराबर वी और क्या होगा कॉस 30 और इंटू क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा हो गया है ना। तो कल अपने देखे थे जो वी कॉस 30 हो गया, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा वी कॉस 30 और इंटू क्या होगा जितने देर तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर हवा में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट से इसको मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको अपने को अप जाने में कितना टाइम लगेगा इसको निकाल लेता, फिर डाउन आने में कितना टाइम लगेगा इसको निकाल लेता हूँ। तो अपने लोग फार्मूला जानते हैं वी बराबर यू प्लस 18 है ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, यहाँ पर टॉप की वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर टॉप पर जब पहुँचते हैं वर्टिकल वेलोसिटी घटते जाती है, टॉप की वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ टॉप पॉइंट पर आप वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया। इनिशियली हम लोग क्या फेंक रहे हैं वी और क्या हुआ साइन 30 डिग्री से, और ये ए की वैल्यू क्या होता है माइनस जी, अपने को जो ए बराबर हमेशा प्रोजेक्टाइल में क्या होगा माइनस जी की ओर काम करते हैं, माइनस जी और इंटू क्या हो गया ये टी ना, तो हमारे को इसे टी निकालना है। तो टी बराबर क्या हो गया वी और ये हो जाएगा क्या साइन 30 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया जी ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी एफ बराबर 2t, देखिए जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा, तो इक्वल टू क्या हो गया 2v और ये हो गया साइन 30 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया जी ना, ये टी एफ को निकाल लिया। तो मैं ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना आर को निकालने के लिए, तो आर को निकालने के लिए क्या हुआ वी हो गया और ये हो गया क्या कॉस 30 यहाँ से और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 2 और ये हो गया वी और ये हो गया क्या साइन 30 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया जी ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं ऐसा रख लिया। तो ये जो रेंज का फार्मूला भी ऐसा आ जाता है, ये हो गया 2 और अपने को वी स्क्वायर
और साइन 30 और ये हो जाता है क्या कॉस 30 और डिवाइडेड बाई जी। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं भी स्क्वायर 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो क्या होता है साइन 2 थीटा। तो क्या होगा साइन 60 और डिवाइडेड बाई क्या होगा जी। तो मैं ये वैल्यू को ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, भी हमारे को दिया हुआ है तो ये क्या हो गया अपने को ये भी स्क्वायर साइन अपने को 2 थीटा इंटू जी ना। तो भी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हो, भी की वैल्यू कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू साइन 60 निकालना है। तो साइन 60 कितना हो जाता है √3/2 है ना 0 और ये हो गया 30, 45, 60 है ना और 90 तो 0, 1, 2, 3, 4 है ना। तो √3/2 ऐसा कर जाता है। तो इसका ना अपने को साइन 30 जो हो रहा है साइन 60 हो गया ये क्या हो गया √3 और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई जी के वैल्यू हम लोग क्या होता है 9.0 में 10 रख ले रहा हूँ। तो ये जो आ जाएगा 9 इंटू √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 है ना। तो इसका जो वैल्यू हो गया आपको 2 से करेंगे तो 4.45 और इंटू √3 √3 कितना होता है 4.5 इंटू 1.73। तो इसको हम लोग ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है अपने दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.865 मीटर ना। तो ये जो अपने को जो रेंज हो गया ये हम लोग यहाँ पर निकाल लिए ना तो कितना हो गया 0.865 मीटर है ना। तो देखिए कैसे हुआ एक बार फिर से अपने को इसको ये समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बॉल को मैं थ्रो किया है 30 डिग्री पर है ना, अपने को क्या निकालना था रेंज निकालना था। तो आप जब भी ऐसे रहेगा तो इसका 2 कंपोनेंट निकाल लो एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या हो गया वी कॉस अपने को थीटा और वाई कंपोनेंट हो गया क्या वी साइन थीटा। तो 2 कंपोनेंट हम लोग निकाल लिए और रेंज बराबर क्या होता है वी कॉस थीटा इंटू टी एफ हो गया। तो टी एफ क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग ये फार्मूला से निकाल लिया ऊपर जाने में कितना समय लगेगा वी बराबर यू प्लस एटी। तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो 0 हो गया वी साइन 30 माइनस जी टी। तो ये टाइम को अप में जाने में जो लग गया भी साइन थीटा और डाउन में भी आने में क्या है उतना ही टाइम लगेगा जितना जाने अप में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2 भी साइन 30 बाई जी। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई तो हमारा जो फार्मूला आ गया भी स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। मैं ये वैल्यू सब दिया हुआ भी के वैल्यू को रख लिया अपने को थीटा दे रहा है ना। तो ये हो गया साइन अपने को ये जो हो गया 60 के वैल्यू को यहाँ रख लिया और डिवाइडेड बाई क्या किया अपने को 10 ऐसा कर लिया। तो मैं ये वैल्यू को सॉल्व किया तो 0.865 मीटर। तो ये जो हो गया रेंज अपने को ये निकल गया। तो देख कितने से ना आसान सी ना प्रॉब्लम थी और इससे ना हम लोग क्या कर लिए यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लिए। तो आइए हम लोग ना नेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चंस में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस को ना यहाँ से अपने को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है तो अपने ना सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से मूव करके। तो सेकेंड क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल अटेंड ना। तो क्या रहेगा अपने लोगों को क्वेश्चन ऐसा है तो हमेशा अपने को ना इसके लिए आपको फिगर बनाना है। तो ये रहा ऐसा रहा ऐसा तो ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। एक्सेलेरेशन किधर काम करता है ए बराबर माइनस जी ऐसा हमेशा नीचे की ओर काम ना करेगा एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ऐसा रहेगा और एक्स में क्या कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा। अपने क्या बॉल को थ्रो कर रहे हैं 3 मीटर से
तो ये आ गया क्या 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, वी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड विद द एंगल ऑफ 45। तो ये एंगल जो दे रहा है ये क्या होगा 45 डिग्री है ना विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ना, तो अपने को क्या निकालना है ये मैक्सिमम हाइट कितना ये आएगा है ना, तो ये वैल्यू को हम लोग निकालना है। ये क्या लिखता है हाइट इक्वल टू व्हाट ना, ये कितने हाइट पर ये जाएगा, तो ये वैल्यू को अपने को निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले मैं दो कंपोनेंट में ना रिजॉल्व कर लेता हूँ वी को। तो ये जो अपने को आ जाएगा अपने क्या होगा वी और हो गया क्या कॉस थीटा, और ये जो आ जाएगा आपका वी साइन थीटा है ना। दो कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, ये कंपोनेंट क्या होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। ये कंपोनेंट वी कॉस थीटा क्या होगा हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और वी साइन थीटा क्या होगा धीरे धीरे अपने को ये। तो अपने को ना यहाँ का वेलोसिटी मालूम है कितना रहता है टॉप पर, ये भी बराबर क्या होता है जीरो कर जाता है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट ना अपने को कैसे लिख दिया जाए, ये अपने को वर्टिकल कंपोनेंट जो रहता है वह जीरो है, और ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वह क्या रहता है हमेशा अपने को भी कॉस थीटा रहता है। तो ये कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पर आके जीरो हो जाता है। तो अपने को क्या निकालना हाइट निकालना है, तो अपने को क्या कर रहे हैं ये फार्मूला जानते हैं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS ऐसा लिख लेते हैं। ये अपने को क्या हुआ अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन जो था काइनेमेटिक हम लोग सॉल्व किए थे, ये उसका थर्ड इक्वेशन था ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो था इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS। हमारे को एस क्या होगा हाइट निकालना है, ये दे रहा है जी दे रहा है टू और सब, तो यहाँ पर अपने लोग क्या कर रहे हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सभी वैल्यू को अपने क्या करते हैं फाइंड कर रहे हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, क्या दिया भी दे रहा है तो ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या हो गया भी और हो गया क्या साइन थीटा, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, ये अपने को वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और ये यहाँ पर क्या जा रहा है यहाँ से सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गया ना ये टॉप पर यहाँ का है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है जीरो है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो ये क्या हो रहा है ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ जीरो हुआ यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वी कॉस थीटा ही रहेगा, और इक्वल टू यू स्क्वायर मैं इस स्पीड से फेंक रहा हूँ तो वी और हो गया साइन थीटा, और इसका क्या होगा इस स्क्वायर आ जाएगा, और क्या हो गया प्लस 2, ये ए की वैल्यू क्या होता है माइनस जी ना, तो माइनस जी और जितने हाइट पर अटेंड करेगा ये क्या है एच ई को निकालना है यहाँ पर। तो क्या होगा वी और हो गया साइन अपने को स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू ए, और एक्सीलरेशन क्या होता है नीचे की ओर वर्क करता है, उसलिए मैं क्या किया माइनस जी के एच हो गया। तो इससे ना अपने को क्या हो गया ये इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH है ना। मैं क्या किया साइड को ऐसा चेंज कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा 2GH इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसलिए क्या होगा H इक्वल टू आपका आ गया वी साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2G। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वी हमारे को दिया हुआ है 3 है, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, और साइन अपने को थीटा दे साइन 45, तो साइन और ये हो गया क्या 45 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू अपने को क्या करते हैं 10 रख लेते हैं। तो ये इक्वल टू यहाँ पर और सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 जा क्या 9, और ये 1 बाई कितना हो जाता है √2, तो इससे ना अपने लोग को ना कितना आ जाएगा ये 1/√2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो इसको और अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है 9 इंटू ये क्या 4 टू ये 2 और 2 4 ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो गया 9 बाई 40 ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से अपने को डिवाइड कर रहे हैं 9 को 4 से, तो ये हो गया 2, तो 8 1.0
चांदनी 8, 10 2.22, तो ये आ रहा है अपने को 0.222 मीटर ऐसा आ गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर ऐसा हो गया है ना, 4 × 8 = 1, 4 × 8 = 2, 10, 4 × 5 = 20, 0.25 आ जा रहा है, 0.25 मीटर। तो ये जो ना डिस्टेंस आ रहा है अपने को 0.25 मीटर यहाँ से, तो इससे ना 4 × 8 तो 2 बच गया, और यहाँ से 4 × 8 = 10, 10 × 2 = 4 × 5 = 20, हाँ तो ठीक है 0.25 मीटर आ गया। तो h की वैल्यू जो आ गई इक्वल टू क्या हो गया 0.25 मीटर। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो मैं फिर से क्या, बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने बॉल को क्या किया 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका विथ एंगल ऑफ 45, क्या हुआ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ना, तो क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 0 है, और u जो हो गया है अपने को v sin थीटा वैल्यू हो गया स्क्वायर और प्लस 2gs, तो इससे हमारा क्या h निकल गया v स्क्वायर sin स्क्वायर 2g, v की वैल्यू दिया हुआ 30, ये sin 45 और 2 × 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं 0.25 मीटर, तो क्या हुआ h की वैल्यू क्या होगा 0.25 मीटर आ गया। तो कितना सारा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको अपने लोग करना क्या हुआ सेकेंड क्वेश्चन ना हम लोग यहाँ से ये बनाए। नेक्स्ट है यहां से तो यहां पर अपने क्या कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को ना फिर से देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपने को यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को अपने लोग देख रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये है इन 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड में, ये क्या है जेई में आया हुआ जनवरी 2020 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है इस साल का। तो क्या है इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ना, अपने को मूविंग विद द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर में से मूव कर रहा है, शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या हो गया। तो यहाँ पर ना क्या कर रहा है स्पीड नहीं निकालना है ना, तो आप देखिएगा क्या यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कभी स्पीड बोलता है और कभी, तो थोड़ा सा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला को थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है अपने को डिस्टेंस और अपॉन टाइम ना, टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा टोटल जो डिस्टेंस का वह कहेगा 2πr हो गया, और यहाँ पर अपने को क्या हो गया वेलोसिटी जो होता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट है ना अपॉन क्या हो गया टाइम ना, ये ऐसा हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अपने को क्या हो रहा है यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो हमारे को क्या हुआ जो इसका वेलोसिटी को निकालना है, वेलोसिटी अपने को क्या भी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई कितना हो गया टाइम ना, TIME डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये आ गया अपने को डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल क्या है 1 मीटर रेडियस है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर ये और प्लस 1 2d हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मीटर और डिवाइडेड बाई टाइम कितना चला गया है 1 सेकेंड में, तो ये हो गया क्या 1.0, तो इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड ना, तो ये ना आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें आंसर क्या है 3.14, बी दे रहा है 2.0, 3 क्या है 1 और डी क्या है 0, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर है और यहाँ पर क्या 1 सेकेंड में कवर किया है, तो आंसर जो होगा ये बी वाला आंसर हो गया। यदि ना स्पीड बोला होता, यदि स्पीड बोला रहता तो ये यहाँ पर स्पीड बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता टाइम ना, यदि स्पीड बोला रहता तो डिस्टेंस क्या था टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 2
अपने पाई आर हो गया, तो ये हो गया पाई और इंटू आर ना, और डिवाइडेड बाई अपने लोग को कितना हो चुका जाता है टाइम जो कवर कर रहा है इन वन सेकेंड, तो डिवाइड बाई वन ना, तो क्या जाता है 2 पाई, ऐसा आंसर आता यदि ना स्पीड बोलता तो। और यदि अपने को ना क्या बोला वेलोसिटी बोल रहा है तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 हो गया और डिवाइड बाई टाइम क्या हो गया 1.0 हो गया है ना। तो ये हो गया है अपने लोगों का क्या हो गया ये वेलोसिटी जो होगा ये 2 मीटर, और स्पीड बोलता तो 2 पाई आ जाता, ठीक है। तो ये ना अपने लोगों को क्या हो रहा ये जे में आया हुआ इस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जब भी ये अपने को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है 1 मीटर ही है और 1 मीटर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मीटर आ रहा है, डिवाइड बाई टाइम क्या होगा 1 कर लेंगे, तो ये अपना यहाँ से ये निकल जा रहा है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ये करने के बाद में नेक्स्ट है अपने को यहाँ से चलते हैं, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 4 में अपने लोग आ गए है ना। ये क्वेश्चन 4 है, ये 9 जनवरी इवनिंग सेशन में है, ये जेई का है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका ये जेई मेन का है ना, जेई मेन है ना, मेन 9 जनवरी अपने को 2022 है ना, सॉरी ये है जनवरी है ना 2019 का है ना, 9 जनवरी 2019 का। तो क्वेश्चन ऐसा है अपने लोग को एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन है ना, तो एक ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है विद द इनिशियल स्पीड क्या है यू बराबर 3i है, यू बोलने से 3i है, एंड एक्सीलरेशन दे रहा है क्या हो रहा है अपने लोग को 6j और प्लस 4j, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंस व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 32 मीटर। तो देखिए इसका हम लोग ना वो फिगर को ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो रहा है एक अपने को दो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का है, तो ये x है और ये क्या y है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो इनिशियल स्पीड है u बराबर क्या दे रहा है 3i हो गया है ना, प्लस 0j भी ऐसा लिख सकते हैं ये 3i, तो क्या हुआ ये x कंपोनेंट क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, और u y कंपोनेंट क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें ना एक्सेलरेशन दे रहा है, तो a बराबर क्या होगा 6i है एक्सेलरेशन जो है a बराबर वेक्टर में, और क्या है प्लस 4j ऐसा हो गया, तो इससे दो कंपोनेंट आ जाएगा ax इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हो गया a y कंपोनेंट बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगा दोनों की क्वेश्चन दे रहा है आपका यहाँ से क्या वेलोसिटी का क्वेश्चन दे रहा है u, तो इसका दो कंपोनेंट होगा एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट क्या 3 है और y कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है मतलब कि 0 है ना, और उससे क्या होगा एक्सेलरेशन को आपको सेकेंड से फाइंड आउट करना होगा a में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 6i है और ये हो जाएगा 4j, तो ax बराबर 6 मीटर और ay बराबर क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका ax और ay है अपने को। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट 32 मीटर, इसमें टाइम को पहले निकालना होगा, तो अपने को क्या टाइम एक बार निकल जाएगा तो मैं उससे क्या करूँगा x कोऑर्डिनेट को भी निकालूंगा, तो x कोऑर्डिनेट दे रहा है तो y कोऑर्डिनेट, तो हम लोग जानते हैं ये अपने को वेलोसिटी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ मोशन, तो ये y कंपोनेंट का दे रहा 32 ना, तो पार्टिकल y कोऑर्डिनेट कितना दे रहा 32 मीटर, तो कुछ देर बाद ना पार्टिकल ऐसा मूव करके और y कोऑर्डिनेट है यहाँ का ये दे रहा है ये y कोऑर्डिनेट ये y है ना, ये हो गया y इक्वल टू 32 मीटर, हमको निकालना क्या x इक्वल टू वाट ना, ये x कंपोनेंट, तो मैं क्या y कंपोनेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर कैसे कर लिया ये 32 हो गया ये x और इक्वल टू इनिशियल स्पीड क्या था 0 था, तो ये हो गया 0 आ गया प्लस हाफ एक्सीलरेशन दे रहा है कितना 4 ना, एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर दे रहा है ये x कंपोनेंट है ये क्या y कंपोनेंट है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां y कंपोनेंट को ना यहां रख रहा हूं, तो ये कितना हो गया 4 और इनटू क्या t का स्क्वायर, तो ये 2 से क्या है 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए क्या हो t 2t स्क्वायर इक्वल टू 32 और t स्क्वायर बराबर 32 बाय 2 इक्वल टू क्या है 16 और t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 4 ना, तो माइनस टाइम पॉसिबल नहीं है, तो जो प्लस होगा अपने को 4 ना, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर टाइम ऑफ ये निकल गया टाइम पहुंच गया, तो t बराबर क्या होगा 4 सेकेंड निकल गया है ना। तो देखिए कैसे करना होगा, इसमें ये अपने को y कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो सबसे पहले ना यहाँ पर जब भी इक्वेशन आपको दिया होगा u का, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, जब भी प्लेन ऑफ मोशन का होगा एक x कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा y कंपोनेंट होगा, तो मैं इसको क्या किया ये इसको लिख लिया, तो x कंपोनेंट ये होगा y कंपोनेंट क्या 0। उसी तरह से क्या एक्सेलरेशन में भी फिर से क्या दो कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा एक y कंपोनेंट होगा, तो x कंपोनेंट क्या होगा 6 हो जाएगा और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो ये दो कंपोनेंट तो x है y हो गया। अब क्या होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s क्या है अपने को 32 है, यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है कि एक जो 32 मीटर मूव किया, तो 32 अब अपने को क्या होगा इक्वल टू यू क्या था 0 था हाफ एटी स्क्वायर, तो मैं सॉल्व किया तो टाइम बराबर क्या 4 सेकेंड, तो आपको टाइम निकल गया। तो अब मैं क्या किया अपने को ये एक्स कंपोनेंट को निकालोगे, जितने देर में ये वाई कंपोनेंट यहाँ पहुंचेगा तो एक्स कंपोनेंट कितना ये मूव करेगा, तो ये टाइम हमको निकल गया। तो फिर से ना हम लोग क्या यही फार्मूला का मैं ना यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक्स कंपोनेंट के लिए, तो कैसे लिखेगा ये वाई कंपोनेंट का था, अब मैं एक्स कंपोनेंट का मूव कर रहा हूँ, तो एस ये हो गया एक्स, एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर ना, मैं लास्ट में जो लिखा था वैसा वाई कंपोनेंट का था, ये जो है अपने को सब क्या एक्स कंपोनेंट का है एक्स कंपोनेंट, तो हमारे को एस एक्स ही फाइंड आउट करना है, तो एस एक्स को फाइंड आउट करना, तो यू कंपोनेंट है तो यू क्या है 3 है और यहाँ टाइम क्या दे रहा है 4 दे रहा है ना, प्लस ये हो गया हाफ, ये हो गया एक्सेलरेशन है ए है, तो ये कितना दे रहा है एक्सेलरेशन एक्स क्या दे रहा है 6 दे रहा है और टाइम क्या था 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या 12 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया क्या 2, तो ये हो गया 12 प्लस कितना हो जाएगा छेद में 12 48 है ना, तो इससे ना अपने को कितना हो गया 4 × 8 और हाँ ना 6 × 12 12 ये क्या 48 हो गया, और 48 और प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, तो 60 मीटर हो गया है ना। तो इसमें जो हो गया अपने को जो डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट हो गया वह क्या हो गया आपका 60 मीटर क्या हो गया ये आंसर आ गया, तो ये आंसर जो हो गया ये 60 मीटर अपने लोग को चला आया है। तो ये अपने को एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो देख क्या हुआ ऐसा क्वेश्चन देखने से टफ लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, क्या दे रहा था अपने ओरिजिन से मैंने एक्स जीरो वाई जीरो है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है कितना दे रहा है 3i है और उसका जो एक्सेलरेशन दे रहा है क्या 6j + 4j है, तो क्या करना है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को अपने को ना फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या किया ये अपने को दोनों से ये निकाल लिया और यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी, और पहले अपने को क्या वाई कंपोनेंट को सॉल्व करके टाइम को निकाल लिया, अभी टाइम हमको मालूम है तो उसका एक्स कंपोनेंट को निकाले, तो एक्स कंपोनेंट क्या है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर और ये हो गया 3 × 4 प्लस हाफ और 6 × 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 प्लस हाफ 6 × 4 इसको सॉल्व कर रहे तो क्या 60 मीटर, तो जो आंसर आ रहा है ये आपका क्या हो गया 60 मीटर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना ना आसान सा क्वेश्चन था अपने को, तो हम लोग ना अभी आज की क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना कुछ प्लेन मोशंस के और भी ना सर्कुलर मोशन वगैरह को समझेंगे और उसके भी कुछ प्रॉब्लम को ना सॉल्व नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए अपने को धन्यवाद।